हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, दिवाली की मौसम आ चुकी है, जगह जगह बधाइयाँ दी जा रही है और इस माहौल में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है मिठाइयाँ बनाने में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम लड्डू बनाएंगे, बट दिस इज़ नॉट अ ट्रेडिशनल लड्डू। आज हम बनाएंगे खजूर के लड्डू। बड़ा ही यूनिक रेसिपी है और खाने में बहुत मज़ा आता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये शुगर फ्री है, तो आपको कैलोरीज की बिल्कुल फिक्र नहीं करनी होगी। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि खजूर के लड्डू कैसे बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले चाहिए हमें डेट्स या खजूर, यहाँ हमने 1 कप खजूर ले लिया है। साथ ही हमें चाहिए 3/4 कप खोया या मावा, लगभग 100 ग्राम। फिर हमें चाहिए 1/2 कप काजू किशमिश, लगभग 50 ग्राम। फिर हमें चाहिए 1/2 कप डेसिकेटेड कोकोनट और नारियल का बुरादा, और 1/4 कप खसखस या पोस्तोदाना। सबसे पहले हमें खजूर को इस तरह से काट लेना है। हम खजूर के बीजे निकाल लेंगे। तो देखिए, मैंने टॉप को काट लिया और फिर जैसे ही मैं इसे ओपन करूंगा, बीजा बहुत इजीली निकल जाता है। बीजा को निकाल के जो फ्लैश है उसे हमें एक जगह में कर लेना है, और फिर हम इसे एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे। अगर आप चाहें तो आप फूड प्रोसेसर में भी इसको डाल सकते हैं। इसमें आप थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और इसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने पेस्ट बना ली है। आप इसका कंसिस्टेंसी देखकर ही बता सकते हैं कि इसमें मैंने थोड़ा सा पानी मिलाया है, बट ज़्यादा नहीं मिलाया है, लगभग 1 छोटी चम्मच मिलाया है मैंने। अब हम एक पैन में 1/4 कप खसखस डाल लेंगे। पैन में हमने कुछ नहीं डाला था, सिर्फ खसखस डालना है हमें, और हमें लो फ्लेम में खसखस को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेना है ताकि वो थोड़ा ब्राउनिश हो जाए। ज़्यादा ब्राउन बिल्कुल नहीं करना है, ये लगभग 15 से 20 सेकेंड लगते हैं। ये करने से दोस्तों, जो पोस्तोदाना है या खसखस है वो हल्का टोस्टी हो जाएगा, एक नटी फ्रेग्रेंस आएगी इसमें से, और फिर हम इसे एक जगह निकाल कर रख लेंगे। अब एक पैन में हम 1 बड़ी चम्मच घी ले लेंगे। इस घी में हम डालेंगे कटे हुए काजू। हम किशमिश नहीं डाल रहे हैं क्योंकि किशमिश जल सकते हैं, इसलिए काजू को हम इसमें डाल लेंगे और मीडियम लो फ्लेम में हम इसे हल्का ब्राउन कर लेंगे। एक नटी फ्लेवर आ जाएगा दोस्तों, और जैसे ही ये नटी हो जाता है हमें इसे निकाल लेना है और इसे हमें साइड करके रख लेना है। अब हमने काजू को निकाल लिया। अब उसी पैन में 1 और चम्मच घी, और साथ ही अब डाला जाएगा इसमें खजूर का पेस्ट। अब खजूर का पेस्ट डालते साथ ही दोस्तों, आपको चलाते रहना है, फ्लेम बिल्कुल लो में होना चाहिए, और देखिए बिल्कुल अच्छा सा स्वाद आएगा आपको, एक अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है। आप जब इसे बना रहे होंगे तो आप इसे बिल्कुल भी हाई फ्लेम में ना करें, धीरे धीरे इसे चलाते रहें, क्योंकि भाई मीठा बन रहा है, मीठा जल्दबाजी में नहीं बनती है। अब इसमें जाएगा किसा हुआ खोया, जो हमने पहले आपको कहा था कि 100 ग्राम खोया चाहिए हमें। खोया को डालकर हम इस तरह से चला लेंगे। हम जो भी चीज़ें डालेंगे, डालकर उसे ऐसे करके चलाते रहेंगे। खोया डालने से एक रॉयलनेस आएगी, और खोया डालने से जो स्वाद आती है वो तो आपको पता ही होगा, कितनी अमेजिंग होती है वो। अब इसमें डाला जाएगा डेसिकेटेड कोकोनट या नारियल का बुरादा। नारियल डालने के बाद इसे हमें लगभग 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम में चला लेना है, ताकि नारियल कच्चा ना लगे, और पैन छोड़ना चाहिए दोस्तों। आप देखिए, हम इसे तब तक चलाएंगे जब तक ये पैन छोड़ ना दे। अब देखिए दोस्तों, नारियल बिल्कुल अच्छे से मिल चुका है। इस समय हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स, काजू और किशमिश, जिसे हमने रोस्ट करके रखा था। किशमिश को हमने रोस्ट नहीं करा था। काजू किशमिश डालने के बाद इसे आप हल्का चला लें और आपकी जो फिलिंग है वो तैयार है। अब लड्डू बनाने की तरीका तो आपको सबको पता है। हाथ में घी लगा लें, इस तरह से बॉल्स बना लें, जैसा भी आपको बॉल्स चाहिए, और फिर आते हैं हम द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। अब हम इसके ऊपर खसखस को स्प्रिंकल कर देंगे। देखिए जिस तरह से मैं स्प्रिंकल कर रहा हूँ खसखस, आप भी ठीक इसी तरह से खसखस स्प्रिंकल कर लें और इसे अच्छे से कोट कर लें। खसखस ऑलरेडी टोस्टेड है, इससे एक नटी टेस्ट आएगी, और देखिए आपकी त्यौहार की थाली बिल्कुल बनकर तैयार है। ये लड्डू खाने में कमाल की होती है। तो बस
अब आप इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और इसे एंजॉय करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंजॉय।